ब्रिटेन की मीडिया ने ऐसा दावा किया है जो पूरी दुनिया में बवाल मचा के रखा है। दावा किया जा रहा है कि रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट के फोन को हैक करवा दिया है। रूस के एजेंसियों ने पहले लीज ट्रस्ट के फोन को हैक किया, उसके बाद यूक्रेन युद्ध समेत अन्य मुद्दों पर की गई बातों को करीबन एक साल से पुराने चैट को डाउनलोड भी कर लिया था। दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस एजेंसियों ने लीज ट्रस्ट की बातों को पर्सनल चैट को भी डाउनलोड कर लिया है। रूसी एजेंसियों की राष्ट्रपति सहयोगिया उसे बात की गई सारी बातों का पता लगा लिया है। हैरानी की बात ये है कि रूस एजेंसी ने लीज ट्रस्ट का फोन तभी हैक कर लिया था जब ब्रिटिश की वो विदेश मंत्री थी। तब जान के हैरान होंगे कि यूक्रेन युद्ध की सारी जानकारी रूस के पास थी। रूस को लीज ट्रस्ट के चैट में यूक्रेन को हथियार भेजने की बात की भी जानकारी मिल गई थी। यानी एक तरह से रूस ने ब्रिटिश में घुसपैठ कर लिया है। ब्रिटिश समेत कई देशों की चिंता बढ़ती जा रही है कि रूस के जासूसों ने उनके देश को तो निशाना नहीं बना लिया है। सारी के लिए बता दे, रूस और यूक्रेन के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने ब्रिटेन पे कई आरोप भी लगाए हैं। रूस ने कहा है कि ब्रिटिश अमेरिका के साथ मिलकर पैसे और हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। रूस ने हाल में ही ब्रिटेन पर आरोप लगाया है कि ब्रिटेन की नौसेना पार्ट सागर के नॉटुल की पाइपलाइन को उड़ा दिया है। रूस ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया है। हम आपको बता दें, ये पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक जाती है। इस पाइपलाइन की जरिए रूस यूरोप के देशों में गैस भेजता है। हाल में एक खबर सामने आया है कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल बाजवा ने ब्रिटिश के दौरे पर गए थे, तब ब्रिटिश के कहने पर नाटो देशों के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए। पाकिस्तानी जहाज पड़ोसी देश के रोमिया शहर के साथ उतरे। रोमिया के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज उतरे थे और वो ब्रिटिश के नियंत्रण में है, इसलिए ब्रिटिश रूस के निशाने पर है।